थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम सारे लोगों का जो आज शो में मौजूद हैं कैनॉट प्लेस में। ये आप लोग हैं जो इस प्रोग्राम की जान है, आप लोग हैं जिस प्रोग्राम में जान फूंकते हैं। और ये बात सच है कि कुछ भी हो, कहीं भी हो, इस एक सवा घंटा, मैं कह सकता हूं कि 24 घंटे होते हैं, लेकिन इस एक सवा घंटा मैं भी जीता हूं आपके बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जगह से आप सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तमाम जगहों की प्रॉब्लम लेके आते हैं, मुझसे ना जाने कौन कौन सी बातें होती जो मैं कभी कभी भूल भी जाता हूं, नहीं कह पाता हूं, और मुझसे तमाम सारे लोग ये बात कहते हैं। तमाम नन्हे मुन्ने मौजूद हैं, छोटे बच्चे मौजूद हैं, लेकिन आज सच बताऊं तो आज दिल बहुत दुखी है, बहुत, सच में बहुत दुखी है। वजह आप सब जानते हैं, वजह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यकीन आपको भी है, मालूम आपको भी है, बस मुझे थोड़ा सा इशारा करना है। दिल्ली में जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, और जिस बर्बरता के साथ हुई है वो तो बहुत दिल दहलाने वाली बात है। मोहब्बत मैं मानता हूं सबसे पाक चीज है, मोहब्बत से ऊंची चीज कोई मकाम ही नहीं है, वो ईश्वर को प्राप्त करने का एक तरीका है। मोहब्बत जब मैं कहता हूं तो सिर्फ मोहब्बत स्त्री पुरुष की भी नहीं बात करता हूं, मैं तमाम सारी चीजों के बाबत बात करता हूं। मैं यहां आता हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि मैं अक्सर कहता हूं कि आई लव यू, और लोगों के जवाब मिलता है मुझे आई लव यू टू, और ये बात मैं अक्सर बेखौफ होकर बगैर कहीं लड़खड़ाए हुए ये बात कहता हूं और पूरे दिल से कहता हूं। लेकिन जो घटना देखी, मैं ये कह दूं कि पता नहीं क्या हो गया है आज की युवा पीढ़ी को, तो वो बेईमानी होगी, क्योंकि मेरी नींव है आप, मुझे आप पे विश्वास है, आप हैं तो मैं हूं, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या हुआ युवा पीढ़ी को, कुछ गलतियां जरूर हमसे ही रही होंगी, मैं तो यही कहता हूं, और क्या, हम ही से हो गई होंगी कुछ गलतियां, जिसका नतीजा, जिसका परिणाम हमको देखना पड़ रहा है। और या कि एक ऐसे मानसिक द्वंद्व से, एक ऐसे मानसिक विक्षिप्तता से हम लोग गुजर रहे हैं जो बहुत 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 डरावनी है, बहुत ही खौफ जुदा है। दो साल, ढाई साल जो बीमारी के बाद का जो समय है, हमें लगता है कि अभी हम पूरी तरह से उभर भी नहीं पाए, और तमाम सारे लोग इस पर रिसर्च और तमाम सारे लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। आपका कोई बहुत जरूरी काम हो तो नहीं, करके आ जाइए। नहीं, उसी के लिए फोन किया था। क्या कह रहे हैं कि आप भैया जी आए हुए शामली से? हाँ। वो शामली मैं आए थे ना इन रोड पे, तो आपसे मिलने के लिए आयु स्पेशल। अच्छा, मिलने कोई खास बात है? हाँ जी, आपसे मिलने का मन करता है, बहुत अच्छे मुद्दे रखते हो। मिलने का मन करता है तो ऐसा करना कि आज घर चलना मेरे साथ। नहीं नहीं, घर नहीं, यहाँ पे मुद्दा है, यहाँ पे नहीं रखना है। हाँ, पे मेरा भी मिलने का मन करता है, बहुत बहुत मिलने का मन करता है, सच में बताऊं आपसे, सच बता रहा हूं, मेरा भी बहुत मिलने का मन करता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि यही एक घंटा है जिसमें तमाम सारे लोगों से बात करनी। कहां से आना हुआ आपका? शहडोल, मध्य प्रदेश। तो मैं अगर पूछना शुरू करूंगा तो आधा हिंदुस्तान यहां नजर आएगा अभी अभी, लेकिन पूरा मिलेगा। कहां से आए हैं? दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी। दिल्ली तो आपकी बड़ी खूबसूरत है, देख रहे हैं कैसी चित्र विचित्र है, बड़ी खूबसूरत है दिल्ली आपकी, पर मैं दिल्ली को दोष क्यों दूं, रहता तो मैं जी। नमस्ते नमस्ते, कहां से आए हैं? उत्तराखंड, चमोली, बद्रीनाथ से। और आप कहां से हैं?
हरियाणा, वाह हरियाणा की बेटी। बहुत कुछ कहना है मुझे, बहुत कुछ कहूंगा भी मैं, बस मौका आने दो जी। और आप कहां से? पुष्कर, वहां से तो बस डुबकी लगाने का। कभी एक जब सूर्य ग्रहण या कुछ ग्रहण में कभी रिपोर्टिंग में गया तो लग गया पुष्कर में पहुंचा। कुछ कहना चाहती हैं? बहुत पसंदीदा एंकर है और आप बहुत अच्छे बुनियादी मुद्दों को उठाते हैं प्रतिदिन। हम लोग शेडोल्स देखते हैं, आज हम ये सोच रहे थे लाइव देखेंगे। लाइव देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। और आप टीचर हैं क्या हैं? मैं सरपंच थी। मैंने कहा, अक्सर कहा कि ईश्वरीय शक्ति तो होती है, बस बेटा पहचानने की जरूरत है। हर आदमी के पास है वो शक्ति, सबके पास है। तुम जिस दिन पहचान लोगी तो समझ में आ जाएगा कि हाँ है मेरे पास, सबके पास। मुझे आज तक ऐसा कोई शख्स मिला ही नहीं दुनिया में जो ये कह दे कि मैं कमजोर हूं। कमजोर वही कहते हैं जो अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश नहीं करते। तो जैसे ही आपने शब्दों का चयन किया ना, मैं समझ गया या तो ये टीचर हैं, या तो ये प्रिंसिपल रही हैं, या कोई काम जरूर करती हैं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शिखा पांडे। शिखा पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है शेडोल से आई। और आपका? मैं इनकी बेटी। वो तो मैं समझ गया, चेहरा नहीं मिल रहा है क्या? तुमने इतना मूर्ख समझा हमको? हाँ क्या करें क्या? हाँ महाराष्ट्र, पुणे से, आईटी में है। बिल्कुल, हाँ हाँ, यूपीएससी के एग्जाम दिया अभी। क्या बात है, अभी प्रीलिम्स हुआ? कैसा हुआ बेटा? सफल हो, है ना, यश हो और खूब सफल हो। मैंने कहा मन दुखी है, पता गुलाब वालों से पूछे ये इतने गुलाब लेके यहाँ क्यों आए? क्यों भैया, क्या क्या है? ये गुलाब है प्रतीक सर, और आपको नमस्कार और आपका चैनल को भी नमस्कार। मैं एक रोज इसको क्या कहता है अंकित सर से काम मांगने आया था यहाँ पे। बोला अगर काम है कोई चैनल में बॉय हुआ तो काम मुझे दे दो। चैनल में? चैनल में कोई काम? ये बोला देखो आजकल काम मांगते नहीं है, काम खुद दूसरे को दो आप। अच्छा, तो उसने एक सुझाव दिया, आप फूल बेचो, अच्छा आपको बेनिफिट होगा। मैंने फूल बेचा, यो ने 20,000-25,000 रुपए आराम से कमा सकता आदमी 10 दिन 15 दिन में और फ्री टाइम में। तो आपको कमाई हुई? जी हाँ हुआ। कितनी? बस हुआ 15,000 रुपए कमाई हुआ। कितने दिन में? 7 दिन में। 7 दिन में 20,000 रुपए कमाए तुमने, तो आज एक गुलाब दे दो, मुझे भी खरीद लूंगा तुम्हारा एक गुलाब। सर एक आपके लिए, एक मेरे लिए, एक अंकित सर के लिए। बस दो ही गुलाब बहुत हैं, मैं किसको दूं ये गुलाब? हाँ जी आपको दूं, आपको दूं। अच्छा आप ले, आपको दे देता हूँ, ले लीजिए। एक आप ले लीजिए और एक आप ले लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आप मुझे और दीजिए। कितने का भैया गुलाब लगाया है तुमने? ये एक 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 मांगा है, पैसे भी देने हैं मुझे। कितने का लगाया है? 20 रुपए का एक। ये तो देसी है कि बाहर वाला है? देसी वाला है ये। ऐसा नहीं कि मैं वो, लोग कहते थे कि भाव बताओ तो सब्जी मंडी जो जाते ही नहीं थे, पत्रकार कहते हैं यहीं से बता देते, अखबार में पढ़ा और सब्जी मंडी का भाव बता दिया ना। सब्जी मंडी में जाओ तब पता चलेगा हल्द्वानी का आलू कौन है, हल्द्वानी से आलू कौन है और फरुखाबाद से जो आ रहा है आलू वो कौन है, तो पता करना पड़ता। ये आपके लिए सरपंच, थैंक यू सो मच। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, सर्वेश मिश्रा कुछ देर में आएंगे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जवाद जी राजनीतिक विश्लेषक, शैलेन दुबे जी आर्थिक मामलों के जानकार राजनीतिक विश्लेषक और संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सारे लोगों का मुद्दा मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, आप अपनी बात कहेंगे, लेकिन मैंने ये बात शुरू में रख दी। 9 साल मोदी सरकार की बात है, लेकिन मैं सच बता, बाबूजी आप अंदर आके बैठ जाइए, वहां ना खड़े हुए, पोते के साथ आए हैं लगता, पोता है ना? हाँ हाँ मैं पहचान लिया पोते के, पोता और बाबा यहीं बैठेंगे आगे। गार्ड साहब मदद करो, बुजुर्ग आदमी को खड़ा देखना अच्छा नहीं लगता। 9 साल मोदी सरकार, इस पर बात हो रही है, लेकिन मैंने कहा कि आज बेहद दुखी हूं मैं, सच में। जिस तरह से, जिस क्रूरता के साथ वह शख्स उस बच्ची को मार रहा था, हमले कर रहा था, उसके बाद उसने पत्थर, उसको तो वर्णन नहीं करना चाहिए। हमारे यहां माना गया, टेलीविजन का एक सिद्धांत है पत्रकारिता का, कि जो बहुत विभत्स हो उसके बारे में बात मत करिए, उसको दिखाना भी दिल दहलाने वाला होता है। क्या दिखाऊं मैं? बहरहाल आज तो पत्रकारिता बदल रही है, बहुत सारी चीजें हो गई पत्रकारिता में, लेकिन मैं तो पुराना स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का आदमी हूं, पत्रकारिता का,
जो बता कहने से पहले ये बात आपको आगाह करता हूं कि मुझे डर लगा, पहली बार डर लगा। ऐसा भी होता है शहर के अंदर, बच्चियां हैं, भगवान इनको बहुत सुंदर घरों में आईटी और न जाने कहां कहां दुनिया के तमाम शिखर छुए ये सारी की सारी, और उनको बेअकलों को अकल आए, मोहब्बत जानते ही नहीं, किया ही नहीं। जी मैं आया, कुछ कहना चाहते हैं आप? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा फिर कहाँ हो गया जब ऐसा काम हो रहा है तो इस हिंदुस्तान में? जी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब आपको बताया जाए और घर में जाके गोड़ आओ जाके, तो हम क्या बताएं, क्या करें हम आके? यहां से शुरुआत करता हूं आज। बहरहाल ज्यादा भटकाव की बात नहीं, सबसे पहले कांग्रेस एंड देन फिर इधर इधर आता हूं। जी जनाब। प्रतीक जी, जो दिल्ली में हुआ उसको सोच के भी मन एकदम पसीज जाता है, तो उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बस हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो भी अथॉरिटीज हैं वो जल्दी से जल्दी इस पर कदम उठाएं और जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। लेकिन प्रतीक जी, एक बात को सोचकर और मन पसीजता है, कल जो जंतर मंतर पर हुआ, देश की जो होनहार बेटियों के साथ हुआ, कैसे मोदी जी की पुलिस ने क्रूरता के साथ उनको पीटा घसीटा, उन महिला पहलवानों को जो देश के लिए मेडल लेकर आती हैं, ये बात सोचकर भी मन पसीज जाता है। प्रतीक जी, जो मुद्दे की बात है वो शुरू करने से पहले एक बात और आपकी प्रबुद्ध जनता को बताना चाहूंगा, क्योंकि अब जब मैं आंकड़े रखूंगा कि देश के अंदर महंगाई जो डाइन है उसने कैसे सबका घर बर्बाद किया है, तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं और उनके जो साथी मित्र हैं पैनल पर, वो दो जवाब देंगे। एक, आपको वो पाकिस्तान ले जाएंगे और पाकिस्तान की बात करेंगे। दूसरा, आपको 2014 से पहले के फर्जी आंकड़े बताएंगे। तो वो ठीक, हम दोनों मैं दोनों ही सिर पे आऊंगा, पोजीशन पे आऊंगा। आपने दो मुद्दे रखे, मैं पहले वन बाय वन एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लूं और फिर जो कुछ बोलना चाहेगा मैं एक एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेके शो को आगे बढ़ाऊंगा। मनोज जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे? जी छोटा छोटा रखेंगे, पहले उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रतीक जी, जिस तरह से एक छोटी बच्ची के साथ में जो हुआ है निश्चित रूप में वो दर्दनाक है और सारी सीमाओं को पार करने वाला है, लेकिन मैं पार्टी के पक्ष की तरफ से मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि कड़ी से कड़ी सजा मिले उनको और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक नौ साल की बात है उसके बारे में कहूंगा प्रतीक जी, अरुण गगन पर महाप्रगति का फिर मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि 9 साल के अंदर किस तरह से भारत का परचम पूरे विश्व के अंदर लहरा रहा है। आप विश्व के अंदर जाके देखिए, अगर आपकी छाती 56 इंच की ना हो जाए तो मनोज यादव का नाम बदल, 56 इंच की ना हो जाए तो मनोज यादव जी का नाम बदल दे। कहाँ से आना हुआ आपका? जी मैं नागपुर से आई हूँ। नागपुर से? लेकिन मैं हूँ बिहार से। लेकिन हूँ बिहार से, बहुत अच्छा। बिहार की बेटी हूँ, नागपुर में ससुराल नागपुर है। ससुराल नागपुर है, वाह, बहु नागपुर की है। मैं आया आपके पास, बिल्कुल आया, मैं बिल्कुल आया पहले जब बात आपसे, देन आई विल कम टू यू। जी बड़ा जोर सुनते थे हाथी की पूंछ का, बड़ा जोर सुनते थे हाथी की पूंछ का, जो देखा तो सुतली बंदी थी। 56 इंच से आया, किसी के पास इंच टेप है नाप लीजिए भाई, इनका चीना हो गया होगा 56 इंच का, अभी नाप लीजिए, अभी सच्चाई पता चल जाएगी। बिल्कुल दो 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 कोई किसी के पास। रीजन क्या है? मूल मुद्दों की बातों से, सीमा सुरक्षा के ऊपर, चीन के मुद्दे के ऊपर जब सदन के अंदर डिबेट करी जाती है तो सत्ता पक्ष जो है वो सदन चलने नहीं देता। अडानी के मुद्दे के ऊपर पहली बार भारत के अंदर ऐसा हुआ, अडानी के मुद्दे के ऊपर विपक्ष चर्चा चाह रहा था, जेपीसी की डिमांड कर रही थी, सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। नई संसद का उद्घाटन करा गया, अभी एक किसी मित्र ने कहा कि जवाब यह देना कि नई संसद के अंदर पहिए भी लगा दें ताकि वो चले, इससे पहले सदन चल तो रहा नहीं था। नई संसद बनाई गई, उसमें लोग, विपक्ष कहां गया? 140 करोड़ की बात आती है तो 140 करोड़ में विपक्ष नहीं है कहीं? क्या पक्ष के बिना विपक्ष अधूरा रह जाएगा? नहीं नहीं, ये फसल है, नए प्रवक्ता है, नया दौर है। मैंने तो कहा कि मैं तो वही ट्रेडिशनल पुराना पत्रकारिता में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, जो हर शब्द को बोलने से पहले टटोलता, तो मैं आऊंगा आपके पास, टटोलता जरूर हूं कि कैसे मैं कह दूं कि पार्लियामेंट में पहिए लगा देना तो चलने लगे। मैं नहीं कह सकता, मेरे पास वो व्यंजनाएं, मेरे पास वो शब्द या शब्दावली नहीं है। जी वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड।
क्विकली करूंगा प्रतीक जी, जो खुद ही हाथी की पूंछ रह गया है विपक्ष, वो हमसे हाथी के बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा जब हाथी चलता है तो कुछ लोग भौंकते रहते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा कौन भौंकते हैं, हाथी मदमस्त आगे बैठ चलता रहता है। देखिए आप बीच में मत बोलिए, 56 इंच का तब सीना तब होता है हर भारतीय का जब सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस करके हम लोग मारते हैं। 56 इंच का सीना जब होता है, जब गलवान के अंदर हमारे सैनिक वहां उनके साथ में दो दो हाथ करते हैं, 56 इंच का सीना तब होता है जब भारत की अर्थव्यवस्था जो बुरे दौर में थी फर्जाइल 5 से लेकर 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई जाती है, 56 इंच का सीना तब होता है जब भारत तीसरी सबसे बड़ी कार प्रोड्यूसर भारत बन जाता है, देश बन जाता है, 56 इंच का सीना तब होता है जब भारत फास्टेस्ट इकोनॉमी है वो बन जाता है, मैं कहता है 56 इंच का सीना तब बन जाता है। आपने देखा होगा कि मोबाइल में सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है। जी जी बिल्कुल मैं आ रहा हूं, मैंने आपको रोका था जी। 56 इंच का सीना वहां कहां चला जाता है जब जंतर मंतर के ऊपर देश की पहलवानों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक अल्फाज इनसे नहीं बोला गया और वो सदन के अंदर कल मौजूद थे, क्या उन जवाब दे ही देगा उनकी? देखिए 56 इंच का सीना तो 56 इंच का रहेगा, लेकिन अगर कोई राजनीति करनी है तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया, दिल्ली पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, ये किस तरह की राजनीति है? कभी सत्यपाल मलिक बैठ जाता है, कभी दीपेंद्र हुड्डा बैठ जाता है, तो इसके पीछे किसका एजेंडा चल रहा है? ये खापों का एजेंडा क्यों चल रहा है? केवल और केवल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का एजेंडा चलाया जाता है और कोई मकसद नहीं है प्रतीक जी, केवल बदनाम करना है। मैं बस सिर्फ एक बात कहूंगा, मुझे जो कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपोजिशन का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, जब नाम लिया जाए तो आदर के साथ लिया जाए। जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। देखिए उपलब्धियां गिनाने के लिए तो मैं इतनी सारी गिना दूंगा कि समय जो है ना खत्म हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी है 2014 के बाद से जो दर्द हो रहा है विपक्ष को, वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 2023 में अभी ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया मोदी बॉस। लेकिन मैं आज जो विभत्सना हुई है, मैं उस पर आना चाहता हूं प्रतीक जी, बिल्कुल आइए। मैं पूछना चाहता हूं प्रतीक जी कि आज ही हुई है क्या? आज चाकुओं से गोदा गया है क्या? 35 टुकड़ों में नहीं काटा गया था क्या? सूटकेस में बंद नहीं किया गया था क्या? क्या चेहरे पे एसिड नहीं फेंका गया था क्या? लेकिन आखिर क्या कारण है कि केवल ये बर्बरता हिंदू बच्चियों के साथ होती है? क्यों नहीं सलमा रेशमा नगमा उनके साथ होती? हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के साथ हो। हाँ जी, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के साथ हो, न्याय होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, प्रश्न यही है, नहीं प्रतीक जी, प्रश्न यही है कि वो जो लव जिहाद के कारण केरला में 50,000 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ, उनको भेजा गया आतंकी बना के, आखिर यही उसकी खड़ी है? यही सीधा सीधा लव जिहाद है प्रतीक जी? आज दिल रो रहा है मेरा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चाहे रेशमा हो, चाहे आशना हो, चाहे रेशम हो, चाहे कोई हो, किसी के साथ बर्बरता हो, इन ह्यूमन चीजें हो, उसमें एंगल मत ढूंढिए। बेटी मेरी भी है और मुझे मालूम है कि बेटी के साथ जब होता है तो क्या दुख बीतती है किसी के साथ। एंगल क्यों नहीं ढूंढा जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, ये कलावा बांध के टीका लगा के सलीम सुरेश बन के जाएगा और लड़की को बरगलाएगा, फिर यू काटेगा मारेगा एसिड फेंकेगा और अब तो ईंटों से कूदेगा, क्यों प्रतीक जी? हमारी बच्चियां मरने के लिए है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, बस मैंने कहा मोमबत्ती लेके घूमने वाले जो चिल्लाते रहते गली गली के अंदर जाके, मैंने पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ये हिंदुस्तान, ये दिल, ये तमाम लोगों से मिलके बना है और किसी बेटी के साथ, किसी बच्ची के साथ हो, वो दुख होता है, होना चाहिए। जी सर, मैं ये खान साहब से कहना चाहूंगा, घुस बैठी इनको सिर्फ चीन से ही दिखाई दे रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं दिखाई देती क्या? हाँ, खाली चीन से दिखाई देती? नहीं, बिल्कुल कहिए, आप बिल्कुल कहिए। क्या नाम है आपका? अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या नाम है आपका? आ गया, आ गया, क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका, कहाँ से आए हो? उत्तम नगर से। उत्तम नगर, किसके साथ आए हो?
अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ बहुत अच्छी बात है। कौन कौन दोस्त है? आओ आगे आओ सारे लोग, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या नाम है आपका? सुमित। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे तो मुझे अच्छा लगा इसलिए बुलाया। बेटियां मेरे दिमाग से उतर नहीं रही हैं अभी। जी जनाब। नमस्कार सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये घटना हुई है, दर्दनीय घटना हुई है, एक मासूम लड़की पे इतने वार किए गए, दरिंदगी दिखाई दी गई, वो तो गुनहगार है, कुछ गुनहगार वो भी हैं जो आसपास घूम रहे थे और वो दरिंदगी देख रहे थे, और उससे भी ज्यादा गुनहगार कुछ वो भी हैं जो इस विषय पर राजनीति करते हैं, जो ये करते हैं, लव जिहाद का मैटर उठा देते हैं। अरे एक मासूम बच्ची के ऊपर इतना हुआ है, उसकी मदद करने की बजाय, उसका केस लड़ने की बजाय ये करते हैं। मेरी आप सबसे विनती ये है कि ये डिबेट करने से ज्यादा बेटर ये है कि एक भारत की बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ करें, और एक भारत के युवाओं के लिए रोजगार देखें, और भारत के बच्चों के लिए शिक्षा पे बात करें। आप सबसे ये विनती है, ये आंकड़ा आप 9 साल में दिखाइए, ये मत दिखाइए यहाँ वहाँ की बात। आने वाले अगर 10 साल में भी मोदी सरकार होती है तो आप हमें 10 साल बाद ये दिखाइए कि इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोग, इतनी बेटियों की सेफ्टी की गई, और इतने लोग, इतने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए वो किए गए। मैं बोले का हक है, आपका चैलेंज आ गया। मैं, क्या नाम है आपका? शफीक अहमद सर। शफीक अहमद, बोलने का हक सबको है, बराबर का है, शफीक अहमद को भी बोलने का। आप अंदर आके बैठिए, यहाँ पे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ आइए। जी मैं आया आया जी। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, इधर आ जाइए, यहाँ बैठिए जी। अपराध मुक्त समाज हो जाए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा संभव नहीं है। इस विषय को सीरियसली आपको सोचने की आवश्यकता है। हर चीज में वही एंगल ढूंढा जाए, ये भी कौन सी बात है? लेट मी कंप्लीट ना। एक थप्पड़ मारने की सजा, अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा, आईपीसी में अगर हर क्राइम की सजा अगर अलग है तो उसका कारण है ना। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये अब समय आ गया है कि कानून के जो रक्षक हैं उनको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक तो हत्या होती है कि रेंडमली आपको गोली मार दी जाए, एक हत्या होती है कि आपको जो हत्या का जो है ना प्रकार आपको जानने की आवश्यकता है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं अगर आपको लगातार कटता रहूं 40 बार 50 बार तो ये इसकी उदाहरण जो है आपको सीधा गोली मारने के बराबर नहीं हो सकता। प्रतीक जी मुझे मालूम है, मुझे शैलेंद्र जी मुझे मालूम है, जब न्याय के लिए जाता है न्यायाधीश के सामने तो न्यायाधीश कहता है कि ये मुकदमा जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, वो ये भी कहता है, और वो कहता है कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में नहीं आता है, इसलिए सजा फांसी नहीं आजीवन कारावास, मुझे मालूम है। नहीं नहीं, मैं इसीलिए कहता हूं, मैं कई टेलीविजन डिबेट्स में मैंने पहले भी कहा है, देखिए क्या है कि एक मान लीजिए किसी भी बहन बेटी को छेड़ देना वो भी बलात्कार के अंदर आ जाता है, एक प्रेमी जो है बहन बेटी के साथ जो गलत दुराचार करता है वो भी बलात्कार के साथ आ जाता है, और एक से ज्यादा व्यक्ति अगर जो बहन बेटी के साथ जबरदस्ती करते हैं वो भी बलात्कार। अरे भैया एक कैसे हो गया, एक बच्ची जा रही है और 10 लोग मिलकर अगर उसके साथ क्राइम करते हैं तो आपको फास्ट कोर्ट बन के साक्ष्य सब आपके खिलाफ है, तो क्यों नहीं एक महीने के अंदर फांसी लटकाते, और क्यों नहीं सारे जो एडवोकेट इस बात का जो है फैसला करते कि हम इसके खिलाफ जो कोई केस नहीं लड़ेंगे। जो है 9 साल की जो बता रहे हैं शैलेंद्र जी, मैं बात से कई जगह इत्तफाक रखता हूँ, लेकिन 9 साल में हुआ नहीं, इनका काम सरकारों को होता है। जब सदन के अंदर ऐसे बलात्कारी कातिल लोग जाकर के सदन के अंदर बैठते हैं, जाकर के ऐसी नजीरें पेश करते हैं, जाकर के जिनके ऊपर अपराधी गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमे हैं, क्या सदन के अंदर सच्चे पढ़े लिखे लोग नहीं जाना चाहिए? प्रतीक जी शायद सैयद जब्बार को जानकारी नहीं है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है, यही वो सैयद जब्बार है। जब बुलडोजर चल रहा होता है तो ये छातियां पीटते हैं, क्यों पीटते हैं भैया, क्यों कहते हैं कानून नहीं है क्या? अरे यही तो कानून है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर कितने ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं? कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमे? जवाब देंगे ये लोग। और ये भी तय होना चाहिए कि टिकट पार्टियां नहीं देंगी, पार्टियां टिकट नहीं देंगी। जी जनाब, आपका तो नाम वही है, क्या नाम? सुशील बनाम शकील अहमद, और शकील अहमद बनाम सुशील अहमद। आपको लत लग गई भैया जी कहीं की? भैया से बड़ा प्यार है जी। बोलिए जनाब। आज जो ये भाई सभी पार्टी के नेता हमारे बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं, जितना यहाँ अल्लाह मचा रहे हैं, इतना सदन में एक कानून बनाए, और वो साहिल शकील अहमद भी अगर गलत करे तो उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए, सुशील को अगर मिले सजा तो फांसी की सजा होनी चाहिए। यहाँ हल्ला मचाने से ये बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। जी मैं आया जी, मैं शैलेंद्र जी वांट टू रिस्पॉन्ड। जी मैं आया, देख रहा हूं। जब इस तरह की आवाज आ रही है सब लोग ये चाहते हैं,
तो क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती? जो ही के नाम समाधान है जब इस तरह के, उसमें वो क्रिमिनल लॉजी कहाँ से आ जाएंगे, क्रिमिनल केसेस कहाँ से आ जाएंगे ये सिविल कोर्ट्स में? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, छह मसले जब आपके बात होगी, आपके वसीयत की बात होगी, आपके सिविल मैटर्स की बात होगी, वो सारे विषय हमारे सरिया में है, और जब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की है तो क्यों नहीं एनोनिमस होना चाहिए सबके लिए? जी मन नहीं लग रहा क्या? मन लगाने की जरूरत भी नहीं है, चाय मैं मंगाऊं क्या? मैं मंगाता हूँ, वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। ताजा पानी का सिर्फ 0.3% ही हिस्सा मौजूद है, वही बारिश से मिलने वाला 66% पानी भी नदियों में शामिल होने से पहले भी भाप बनकर उड़ जाता है। और इसी वजह से ईरान हेलमंद के पानी पर ज्यादा निर्भर है जो अफगानिस्तान से निकलती है। दोनों देशों की सीमा पर बसे हामुन क्षेत्र के लिए हेलमंद नदी ही जिंदगी का एक लौता जरिया है। इसीलिए ईरान और अफगानिस्तान के बीच 1973 में जल संधि हुई थी। इसी के तहत अफगानिस्तान को हर साल ईरान को 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देना है। इसी ट्रीटी के तहत अफगान सरकार बांध बनाने पर जोर देती रही है, लेकिन ईरान ये कहते हुए पीछे हट रहा है कि इस तरह के बांध बनाने से झीलों और दूसरे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचेगा। ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान उसके तय मानक से कम पानी सप्लाई कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान ने नदी का जल स्तर कम होने का तर्क दिया, और यही वजह है कि यूक्रेन ने ईरान को सबक सिखाने की ठान ली है। ये फैसला यूक्रेन की तरफ से तब लिया गया जब एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीव पर ड्रोन से भीषण हमले किए, और यूक्रेन का आरोप है कि रूसी फौज ने कीव पर कहर बरपाने के लिए ईरान के शहीद 136 ड्रोन इस्तेमाल किए। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की फौज की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों को उसने नाकाम कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक उसने रूस के 52 ड्रोन मार गिराए, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रूसी सेना ने कीव पर ड्रोन से हमले किए हों। इससे पहले भी वो लगातार कीव को निशाना बना रही है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन की फौज यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरान के ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। बताया गया कि इसीलिए यूक्रेन ने भी ईरान पर प्रतिबंध लगाने की ठान ली। ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जंग के बीच वो रूस की मदद नहीं कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि जंग में ईरान रूस को मदद पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। असल में बीते कुछ दिनों में यूक्रेन पर पुतिन की फौज ने ड्रोन से हमले तेज किए। दावा है कि जिस ड्रोन को यूक्रेन ने मार गिराया उसमें ज्यादातर ईरान के ड्रोन शायद 136 पाए गए। इसीलिए जेलेंस्की ने संसद में ईरान पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने का फैसला लिया। अब अगर इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे। इतना ही नहीं, ईरान यूक्रेन के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के खारकीव में रूसी सेना ने भीषण हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन की फौज के हमलों में एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई, क्योंकि रूसी सेना जबरदस्त गोलीबारी कर रही है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि रूस की सेना ने खारकीव में ताबड़तोड़ हमले किए। आरोप है कि पुतिन की फौज रिहायशी इलाकों में भी हमले करने से पीछे नहीं हट रही है, जिसकी वजह से वहां के लोग खौफ में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। खारकीव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इसीलिए इस पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद अब तक पुतिन की फौज इस पर कब्जा नहीं कर पाई है। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज पर चुन चुन कर मिसाइलें दागी हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक के बाद एक मिसाइलें आसमान में उड़ती नजर आईं, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने पटाखों के गोदाम में आग लगा दी हो। कुछ ही देर में चारों तरफ आसमान में मिसाइलें ही उड़ती नजर आईं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के भीषण हमलों में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि जेलेंस्की की सेना ने रूसी फौज पर हमले किस इलाके में किए इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। ने दावा किया है कि उसने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी सेना पर भीषण हमले किए हैं। बताया जा रहा है यूक्रेन की सेना ने रूस के जितने भी ठिकानों पर हमले किए वो पूरी तरह से तबाह हो गए। यानी स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने 100% अपना काम कर दिखाया। यूक्रेन के मुताबिक उसने लंबी दूरी तक मार करने वाले इस मिसाइल से पुतिन की फौज पर ताबड़तोड़ हमले किए। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए ही जाना जाता है। ये लंबी दूरी के दुश्मन को भी पलक झपकते पूरी तरह से तबाह कर सकती है। ये मिसाइलें यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली हैं, जिनका इस्तेमाल अब यूक्रेन की सेना रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कर रही है।
इधर बिहार से भले ही पांडे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चले आए हो, लेकिन बाबा बागेश्वर वहां पर अपना असर छोड़ आए हैं, क्योंकि वैशाली जिले में एक मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदलकर एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। और बताया गया कि वो लड़की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम से काफी ज्यादा प्रभावित है और दावा है कि इसीलिए उसने इस्लाम धर्म को छोड़कर पहले हिंदू धर्म अपनाया और बाद में जिस हिंदू लड़के से प्यार करती थी उसी से शादी कर ली। इस्लाम धर्म से थी, मैं बोली थी कि पहले आपका धर्म मैं स्वीकार करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी। असल में कुछ दिन पहले बिहार के नौबतपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हुई थी। बताया गया कि उसी कार्यक्रम से ही इस मुस्लिम लड़की ने प्रेरणा ली, जिसके बाद उसने अब इस्लाम धर्म छोड़ दिया और हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू लड़के से शादी कर ली। उधर दावा है कि अब तक शहबाज सरकार के खिलाफ हुंकार बनने वाले इमरान खान उनसे डरने लगे हैं, क्योंकि शहबाज सरकार को पाकिस्तान से उखाड़ फेंकने का दम भरने वाले इमरान खान ने शहबाज सरकार से बातचीत की पेशकश की है। इसके लिए उन्होंने 7 सदस्यों की समिति गठित की। उन्होंने जानकारी दी कि शाह महमूद कुरैशी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जो सरकार से बातचीत करेगी। यही नहीं, इमरान खान ने ये तक ऐलान कर दिया कि अगर मैं अयोग्य ठहराया जाता हूं, तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। लेकिन इमरान खान की सरकार से बातचीत की पेशकश के कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इमरान खान पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि इमरान से बातचीत की पेशकश को सरकार ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि जिसने देश में आग लगाई उससे बातचीत नहीं हो सकती। विदेश के इशारे पर काम करने वालों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। और पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से पीटीआई प्रमुख इमरान खान भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक के कई मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्हें एनएबी यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद 9 मई को अलकादे ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा कर दिया था, लेकिन इसके बाद से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि 9 मई को ही हिंसा के बाद से न सिर्फ शहबाज सरकार बल्कि सेना भी उनके और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ शिकंजा कस रही है। पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई पर आर्मी एक्ट के तहत एक्शन लेने की बात सामने आई। इसका असर ये हुआ कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कई नेताओं ने गिरफ्तारी के डर से पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। दावा है कि 60 से ज्यादा पीटीआई नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। जिन बड़े नेताओं ने इमरान खान का साथ छोड़ा उनमें पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन भी शामिल हैं। इसके साथ ही पूर्व मानवाधिकार मंत्री शीरी मंजारी, पार्टी प्रवक्ता फयाजुल हसन, पूर्व कैबिनेट मंत्री आमिर कियान और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमीन असलम शामिल हैं। इसके साथ इमरान खान को बार बार अपनी फिर से गिरफ्तारी और अयोग्य होने का डर सता रहा है। यही वजह है कि एक पल वो शहबाज सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी शहबाज सरकार से बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। और पाकिस्तान में 9 मई को ही हिंसा के बाद इमरान खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी और पाकिस्तान की सेना के निशाने पर आ गए हैं। 9 मई को उनकी गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा हुई थी। हालांकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद से शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब पीएमएलएन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उपाध्यक्ष ने दावा किया है कि पाकिस्तान में इमरान खान का खेल खत्म हो गया। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में नाबालिग लड़की से दरिंदगी, सड़क पर सरेआम 20 बार से अधिक चाकू से किया हमला, आरोपी साहिल बुलंदशहर से गिरफ्तार। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पर कल से बीजेपी का महासंपर्क अभियान, देश भर में केंद्रीय मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लखनऊ में हरदीप पुरी के साथ सीएम योगी ने बताई सरकार की उपलब्धियां। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके की बाजार में लगी भीषण आग, दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गई सेना के इशारे पर ही शहबाज शरीफ की पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान में 9 मई को ही हिंसा के बाद पाकिस्तान के संसद में इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही हिंसा में शामिल इमरान के 33 समर्थकों को ट्रायल के लिए सेना को सौंप दिया गया है। 499 FIRs में से सिर्फ ये 6 FIRs हैं जिनको देखा जा रहा है, जिनको प्रोसेस किया जा रहा है कि उनमें उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुमकिन तौर पे जो है वो हो सकता है।
वहीं आर्मी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक हो सकती है और इसी एक्ट के तहत जल्द ही इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। साथ ही माना जा रहा है कि शहबाज सरकार के पीटीआई नेताओं पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने वाले बयान से इमरान खान की पार्टी के नेता डरे हुए हैं। इधर तालिबान और ईरान के बीच युद्ध भड़क सकता है क्योंकि सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई है जब सीमा पर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। अफगानिस्तान और ईरान के बीच भिड़ंत जाबोल सीमा पर हुई जिसकी वजह जल विवाद बताया जा रहा है और इसी को लेकर ईरान और अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच सीमा पर भीषण गोलीबारी हो गई। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना का कहना है कि पहले अफगानिस्तान की तरफ से गोली चलाई गई। तालिबान के एक प्रवक्ता और ईरानी राज्य मीडिया के मुताबिक सीमा पर हुए संघर्ष में कम से कम 2 ईरान सैनिक और एक तालिबानी की मौत हो गई जबकि कई सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद ईरान अफगानिस्तान पर भड़का हुआ नजर आ रहा है और कहा कि तालिबानियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, जिससे ईरान बहुत ज्यादा नाराज हो गया और तालिबान को दो टूक कह दिया कि अगर वो अफगानिस्तान में एक स्थिर सरकार स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ रचनात्मक संबंध बनाने होंगे। उन्होंने काबुल में सत्तारूढ़ तालिबान को ये भी याद दिलाया कि ईरान ने पिछले दशकों में किसी भी दूसरे देश की तुलना में अफगानिस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा मदद की है, लेकिन दशकों से ईरान से मिली मदद को नजरअंदाज करते हुए तालिबान ने अपने पड़ोसी मुल्क को आंखें दिखाई और कहा कि तालिबान 24 घंटे के अंदर ईरान को जीत सकता है। तालिबान के मुताबिक इस जंग की शुरुआत ईरान ने की थी। तालिबान के कमांडर अब्दुल हामिद खोरसानी ने कहा कि अगर उनके नेताओं ने मंजूरी दी तो हम 24 घंटे के अंदर ईरान की राजधानी तेहरान पर कब्जा कर लेंगे। खोरसानी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أما بعد، البته پیامی داشتیم من حیث یک مجاهد امارات اسلامی و سرباز اسلام. طالبان کے لہجے سے صاف ہے کہ وہ ایران سے دو دو ہاتھ کرنے کے موڈ میں ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی طالبان کے اس دھمکی کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور کہا کہ ہماری بارڈر فورس ہر حملے کا کرارا جواب دے گی۔ इसी के साथ ईरान ने भी लड़ाई में तालिबान को हराने का संकल्प ले लिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अगर तनाव और ज्यादा बढ़ा तो दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है, जिसके बाद ईरान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि अमेरिका और इजराइल के साथ वो सीरिया में पहले से उलझा हुआ है। इस बीच अगर तालिबान के साथ उसे भिड़ना पड़ा तो इजराइल इस मौके का फायदा उठाकर ईरान को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। करीब एक महीने पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी तालिबान को हेलमंद नदी में ईरान के जेल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन तालिबान ने ईरान की चेतावनी की परवाह नहीं की, जिसकी वजह से जल विवाद और ज्यादा बढ़ गया। इसी की वजह से सीमा पर गोलीबारी की नौबत आ गई और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके बाद तालिबान ने सीमा पर टैंकों और तोपों को भेजना भी शुरू कर दिया और अफगानिस्तान से जो वीडियो सामने आए उसमें ट्रकों पर तोपों को लादे कई ट्रक फराटा भरते नजर आए। ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान इस लड़ाई में मिसाइल, तोपों और मशीन गन का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें से ज्यादातर हथियार वो हैं जो 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सेना वहां अपने हथियार छोड़ गई थी। दरअसल ईरान पिछले करीब 30 सालों से सूखे की मार झेल रहा है। पिछले कुछ सालों में सूखे वाले इलाकों का रकबा और ज्यादा बढ़ गया। यूएन के फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ईरान में पिछले कुछ सालों में सूखे से हालात और ज्यादा बदतर हो गए हैं। मौजूदा वक्त में ईरान का करीब 97% हिस्सा कुछ हद तक सूखे का सामना कर रहा है। ईरान में हर साल 240 से 280 मिलीमीटर ही बरसात होती है। ये वैश्विक औसत 990 मिलीमीटर से काफी नीचे है। ईरान में दुनिया की करीब 1% आबादी रहती है, लेकिन यहाँ दुनिया के ताज़ा पानी का सिर्फ 0.3% ही हिस्सा मौजूद है। वहीं बारिश से मिलने वाला 66% पानी भी नदियों में शामिल होने से पहले भी भाप बनकर उड़ जाता है और इसी वजह से ईरान हेलमंद के पानी पर ज्यादा निर्भर है जो अफगानिस्तान से निकलती है। दोनों देशों की सीमा पर बसे हामुन क्षेत्र के लिए हेलमंद नदी ही जिंदगी का एक लौता जरिया है। इसीलिए ईरान और अफगानिस्तान के बीच 1973 में जल संधि हुई थी। इसी के तहत अफगानिस्तान को हर साल ईरान को 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देना है।
इसी ट्रीटी के तहत अफगान सरकार बांध बनाने पर जोर देती रही है, लेकिन ईरान ये कहते हुए पीछे हट रहा है कि इस तरह के बांध बनाने से झीलों और दूसरे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचेगा। ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान उसके तय मानक से कम पानी सप्लाई कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान ने नदी का जलस्तर कम होने का तर्क दिया, और यही वजह है कि यूक्रेन ने ईरान को सबक सिखाने की ठान ली है। ये फैसला यूक्रेन की तरफ से तब लिया गया जब एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कीव पर ड्रोन से भीषण हमले किए, और यूक्रेन का आरोप है कि रूसी फौज ने कीव पर कहर बरपाने के लिए ईरान के शहीद 136 ड्रोन इस्तेमाल किए। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की फौज की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों को उसने नाकाम कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक उसने रूस के 52 ड्रोन मार गिराए, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रूसी सेना ने कीव पर ड्रोन से हमले किए हों। इससे पहले भी वो लगातार कीव को निशाना बना रही है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन की फौज यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरान के ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। बताया गया कि इसीलिए यूक्रेन ने भी ईरान पर प्रतिबंध लगाने की ठान ली। ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जंग के बीच वो रूस की मदद नहीं कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि जंग में ईरान रूस को मदद पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। असल में बीते कुछ दिनों में यूक्रेन पर पुतिन की फौज ने ड्रोन से हमले तेज किए। दावा है कि जिस ड्रोन को यूक्रेन ने मार गिराया उसमें ज्यादातर ईरान के ड्रोन शायद 136 पाए गए। इसीलिए जेलेंस्की ने संसद में ईरान पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने का फैसला लिया। अब अगर इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे। इतना ही नहीं, ईरान यूक्रेन के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के खारकीव में रूसी सेना ने भीषण हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन की फौज के हमलों में एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज लगता मन नहीं है, और जो मन नहीं है तो फिर काम नहीं करना चाहिए। आज मैंने भी कहा कि मैंने जब थोड़ा सा ऑडियो देंगे राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जब मन ना हो तो फिर काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था आज बड़े दुखी मन से मैंने शो शुरू किया, जो घटना हुई। राव साहब थोड़ा ऑडियो चाहिए होगा मुझे, थोड़ा सा उसमें बेस चाहिए होगा, थैंक यू सो मच। मन नहीं था और टुकड़ा जी मैं प्लीज प्लीज, और उस अनमने मन से मैंने शो शुरू किया था आज, क्योंकि जो दिल्ली की घटना थी वो अपने आप में बहुत बहुत दुखदाई है, क्रूरतम। उस पर लोगों ने अपनी बात कही, 9 साल मोदी सरकार, उस पर बात हुई और इस तरह से बात आगे बढ़ रही थी। यहां पे जो शो पे मौजूद हैं बाबा और पोते, उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे कई लोग हैं जो परिवार के साथ आए हैं, नागपुर से परिवार आया हुआ है, उनको मम्मी के साथ, बेटी, बेटी की बेटियां, बहुत बहुत शुक्रिया। गोंदिया महाराष्ट्र से, बिल्कुल एकदम बॉर्डर, वहां से आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मऊ से लोग आए हुए हैं, तमाम राजस्थान से हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम। पंजाब, पंजाब के बगैर तो मैं बात ही नहीं करता जी। झारखंड से जी जी, झुमरी तलैया, अबरक नगरी है, बिल्कुल सही। तमाम सारे लोगों को मैं नमस्ते प्रणाम। एमपी से, शहडोल से तो मैंने बात ही शुरू करी थी। और आपका नाम? ग्वालियर से। क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना, और आपके ब्रदर कहाँ चले गए जी? और आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से, बनारस। हाँ रुकिए, काशी विश्वनाथ जी, झारखंड में कहाँ से? बिहार में कहाँ से? गया डिस्ट्रिक्ट। गया डिस्ट्रिक्ट जी। तैयारी कर रही है, कुछ पढ़ाई कर रही है ना? जैसे गया नाम आया ना,
दिमाग मेरा समझ गया कि कोई पढ़ाई लिखाई का काम हो रहा होगा। क्या काहे की तैयारी कर रही है? यूपीएससी। कल दिया होगा प्रीलिम्स? दिया होगा? कल दिया था या अभी दिया? कैसा हुआ? अच्छा गया सर। अच्छा गया हो भी जाएगा, गया कि नहीं होगा तो कहां से होगा, किसका होगा? सब कुछ उसी में दिए पड़े हैं यूपीएससी में, तो हो गई मेहनत से है तो निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई गिटार बजाता है, मथुरा से आया है और अपनी बात कहने के लिए। लेकिन मैंने यहां पे बात जो शुरू की थी और जो कुछ हुआ बहुत दुखदाई था, बहुत दुखदाई। और मुझे तो यह लगता है कि इसमें सजा बहुत कठोर से कठोर होनी चाहिए और तुरंत जितनी जल्दी हो वो एक सबक मिलना चाहिए। लेकिन जब आप कुछ कहते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी आती है, और मेरे पास जो प्रतिक्रिया आई वो रुकैया की है। रुकैया लिखती है मुझे कि आप शो करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि बेटियां क्या सिर्फ एक ही परिवार की होती हैं? बेटियां तो सभी परिवार की होती हैं। और ये रुकैया ने लिखा है, और रुकैया ने लिखा ये कि बेटियां क्या सिर्फ एक ही परिवार की थोड़ी ना होती हैं, बेटियां तो सभी परिवार की होती हैं, और जब बोलिए तो सबके लिए बोलिए। मैं रुकैया आपकी बात से सहमत हूं, अपराध समाज के खिलाफ होता है और समाज को ही उठकर उसका सामना करना चाहिए और खड़े होना चाहिए। उसमें फिर भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई हो, कोई भी हो, सजा सजा ही मिलनी चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल आप यू आर फ्री टू से, यू आर फ्री टू, मैं जब इनके बीच में शो करता हूं तो मुझे मालूम है कि आपकी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, जरूर आए। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आए, बहस हो, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर रुकैया लिख रही हैं तो इसलिए लिख रही हैं मुझे कि अपराध तो किसी एक के खिलाफ थोड़ी ना है और किसी एक बेटी के खिलाफ थोड़ी ना है। जो अपराध हुआ उसको पूरे कैनवस समाज के हिसाब से देखना चाहिए। जी आपने कुछ कहा था, उसी का रिएक्शन था ये जी। और बैंगलोर से मेरे पास एक और प्रतिक्रिया है और वो प्रतिक्रिया भी मैं पढ़ना चाहता हूं, थोड़ा सा बेहद विद मी जी। प्रवीण साहब हैं, प्रवीण राजदान साहब, प्रतीक जी फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ वीक्स आई हैड ऑब्जर्व दैट यू यूज टू रिएक्ट विद योर पॉजिटिव थॉट्स, बट अनफॉर्चुनेटली टुडे यू वर साइलेंट ऑन रेपिस्ट वर्ड। उन्होंने कहा कि आज आप चुप हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल चुप नहीं। मैंने कहा पहला सेंटेंस अगर आज हमने बोला है यहां पे शो में तो मैंने कहा कि रेप हुआ है, मारा गया है, घृणतम अपराध है, उसकी सजा तुरंत से तुरंत मिलनी चाहिए। अगर मैंने ना बोला हो तो बताइए आप लोग, बोला है ना? तो प्रवीण साहब शो देखते हैं, अच्छे हैं व्यक्ति, प्रतिक्रिया देते हैं। मैं बिल्कुल चुप नहीं हूं, बिल्कुल चुप नहीं हूं, और उसका सजा होनी चाहिए। मैं कहता हूं जी ऑफकोर्स वन बाई वन, पहले मैं शैलेंद्र जी, देन आई विल कम। मुझे दे दीजिए पहले प्रतिक्रिया। तो क्या ये तय होगा वेट से तय हो रहा है कि किसका वजन ज्यादा है उसके हिसाब से तय होगा? हाँ, मेरे से पूछा गया इसलिए। देखिए मेरी बहन रुकैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रतिक्रिया दी, लेकिन मेरा जो आशय था वो ये था कि जब अपराध जो है एक धर्म विशेष के प्रति हो और सिस्टमेटिकली ढंग से उनके प्रति अपराध को करने के लिए मानसिकता बनाई जाएगी तब ये सब होता है। मैंने कहा बेटियां सबकी सांझी होती हैं, लेकिन मेरा प्रश्न फिर वही है कि अरे मेरी बहन, आखिर ज्यादातर मामलों में हिंदू बच्चियां क्यों होती है, क्यों काटी जाती है, मारी जाती है? मैथिल साहब, इतने दूर मत निकल जाइए कि लौटना समाज में मुश्किल हो जाए। इतनी दूर मत जाइए, बराए मेहरबानी इसी समाज में रहिए। और जो सजा देनी है उस मूर्ख कातिल घृणतम, मैं सुशील और शकील अहमद साहिल को फांसी की सजा मिलना चाहिए। ये बात, अरे भाई ये बात नहीं है, केवल मैं ये कह रहा हूँ उसको फांसी की सजा, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो दिल्ली की बेटी नहीं, वो हिंदुस्तान की बेटी है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि इतनी लकीर मत खींच दीजिए बड़ी कि लौटना मुश्किल हो समाज में।
हम बांट के कहां तक जाएंगे, कितना बांटेंगे मुझे मालूम है, मैं बोल ही दूं क्या मुंह से, शब्द अच्छा नहीं लगता, बच्चे देखते मेरे छोटे छोटे, सच बता रहे, मुझे बहुत दुख होता है, मैं नहीं शब्द इस्तेमाल करता, मेरा जबान लड़खड़ा जाती है, वो शब्द कितना कठोरतम मैं बोल सकता हूं, बोलना चाहूं तो बोल दूंगा मैं, एक सेकंड देर नहीं लगेगी मुझे, खाल निकाल के भूसा ही भरवा दे क्या, भरवा दीजिए, लेकिन करिए जल्दी, जो न्याय कहता है वही करिएगा, न्याय जी। आफ्ताब केस में क्या हुआ, सिर्फ आफ्ताब से अभी तो कुछ नहीं हुआ, साल भर होने को जा रहा है तो कहीं न्याय व्यवस्था ऐसी है कि कोई बेगुनाह एक भी ना हो और उसको मौका देते हैं हम, हमने 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 बिरयानी भी खिलाई उसको, कैमरा में आ जाने के खिलाई, न्याय किया लेकिन खिला लेकिन 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 न्याय किया, न्याय हुआ जी। नहीं मैं आपके पास नहीं आऊंगा जी, वन बाय वन जी। प्रतीक जी अभी सिविल सर्विसेज के एग्जाम का रिजल्ट आया तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया था कि बेटियां जो है टॉप फोर पोजीशन जो होल्ड कर रही थी लड़कों की तुलना में, जो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया था। दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मैं फिर कह रहा हूं देश के अंदर पुलिसिंग कितनी है, कितनी संख्या है, तो आप अगर चाहें कि किसी भी पार्टी की सरकार हो जाए, चाहे कांग्रेस हो जाए, बीजेपी हो जाए, आम आदमी हो जाए, पुलिसिंग अगर ये चाहे कि अपराध खत्म कर दे, नहीं हो सकता, ये समस्या सामाजिक भी है, उसका समाधान देता हूं मैं आपको, जो है सुन लीजिए समाधान, समाधान ये है कि यदि इस तरह के अपराध हो रहे हैं तो न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और सर्वेक्षण कराए, कि यदि एक तरह के अपराध अगर सर्वेक्षण के आधार पर अधिक हो रहे हैं तब उस पर जो है कमेटी बिठाए, जांच कराए और तमाम जो है उस वर्ग के लोग उनको आगे आना चाहिए, पहल करें कि भाई आप कह रहे हैं हम जो है अभी रोकिए इस पर जो है। शैलेन जी मैं आपसे सहमत नहीं हूं यहां पर, इसलिए मुझे भी कहने का हक है, हर काम न्यायालय ही करेगा क्या, नहीं हम सरकार चुनते हैं, सरकार बनती है और उसके बाद एक पुलिसिंग है, मतलब पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बहिष्कार ना हो इसके लिए भी पार्लियामेंट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, रेपिस्ट है, मारा है, हम पार्लियामेंट जाएंगे, हर चीज सॉरी न्यायालय जाएंगे, हर चीज में न्यायालय ना, हमको भी सोचना है, हमने चुना है किसी को, कोई हो जी जी जी, जनाब जनाब आम आदमी पार्टी माफी के साथ जी। वैसे तो आज का शो 9 साल पे था और आप 9 साल पे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, 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 नहीं। ये शो कहीं भी जा सकते, देखिए मैंने इतनी छूट हमेशा दी है, लिबर्टी दी है, बोलने वाले को भी दी है, पैनलिस्ट को भी दी है, जो बाद में शो में आए हैं उनको भी दी है, आप बिल्कुल निसंकोच होकर बोलिए जी। लेकिन मुझे लगता है कि स्वास्थ्य भी एक सरकारों का विषय होता है, तो कम से कम बीपी की दवाई कुछ आपने यहाँ कुछ लोगों के लिए जरूर लेके आया करिए। खैर एक चीज और मैं कहता हूँ, एक चीज और मैं कहता हूँ जी, इनसे बोलिए पहले अपने झाड़ू खटका जो है ना वो बढ़िया से मंगा लीजिए, जो शराब के दलाली से 171 करोड़ रुपए का बंगला बनाया है, हमेशा लेट आते हैं वहाँ सफाई करके जाते हैं, पिछली बार तो 40 बोल रहे थे अभी 171 में चले गए। खैर चलिए, एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है, बड़ा वाई एग्रेसिव उस तरीके से बात करने का मतलब नहीं है, फरवरी में एक साहिल गहलोत नाम का लड़का अपने शादी करने के दिन अपनी गर्लफ्रेंड को काट के फ्रिज में रख के चला गया, वो भी दिल्ली का ही रहने वाला था, एक वो भी साहिल था और एक ये भी साहिल है, ये दोनों बराबर है और कानून दोनों को ही समान सजा देगी, उनके जो कर्म है उनके जो कुकर्म है उसी आधार पर। देखिए कोइंसिडेंस है कि आज का अपराधी भी साहिल है और जो फरवरी में इसी दिल्ली में जो फ्रिज में रख के काट के चला गया था वो भी साहिल था, साहिल गहलोत था वो। हिंदू और मुसलमान इस तरीके की बातें आज की इस तरीके की बात पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता जी। प्रतीक जी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पहलू खान और अखलाक के लिए छाती पीटने लग जाते हैं, सारे विपक्षी दल आकर के छाती पीटने लग जाते हैं, हाय 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 आज एक मासूम हिंदू बच्ची का कत्लेआम किया गया चाकू से गोंद गोंद करके, तो ये लिबरल गेन कहां है, ये विपक्षी दल कहां कहां कौन से बिलों में छिप गए, तो ये दोहरा चरित्र क्यों होता है। मेरा मूल सवाल ये है कि ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा, केवल वोट बैंक के लिए केवल एक समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहेगा। देखिए केरला स्टोरी आई, आपने देखा किस तरह से यूएन की ह्यूमन जो एजेंसी है उन्होंने कहा कि यहां की बच्चियों को धर्मांतरण करा के सीरिया भेजा जाता है, अफगानिस्तान भेजा जाता है, तो उस पर ये लोग मौन धारण करने लगे, बोले नहीं ये तो बीजेपी एक एजेंडा चला रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ये आंख बंद करने वाले जो ठेकेदार है तुष्टीकरण के, ये कब तक इस देश को बांटने का काम करेंगे।
जी ठीक है, मुझे एक सवाल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे कहा गया, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो ये मेरे पर भी गलत है, और ये कहा गया कि जो कैंडल लाइट निकालते हैं वो आज कहां है, वो मौन क्यों है, ये उधर वाला सवाल था। मैंने हर तरफ के सवालों को बराबर रखने का मेरा काम है, दायित्व है, और मैंने कहा कि आज उन्होंने ये भी पूछा मुझसे बैंगलोर से कि जो कैंडल लाइट निकालते हैं वो, और आज उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैं चुप हूं इस मसले पे, जो मैंने अपनी बात में स्पष्टीकरण दिया। जी ऑफ कोर्स योर नंबर। जो घटना हुई बेहद शर्मनाक और समाज के लिए भी बेहद शर्मनाक घटना हुई, दुखद हुई, शर्म से सर नीचे झुक जाना चाहिए, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कब तक साक्षी को कोई शाहिल ही कत्ल करेगा तो इनका खून खौलता रहेगा, कभी साक्षी को कोई सुशील भी खून करे या कत्ल करे तब भी इनका खून खोलना चाहिए, पानी क्यों हो जाता है, पानी क्यों हो जाता है, ये लोग ऐसे लोग हैं समाज में फैले हुए असली दीमक यही है, ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण हो, महिलाओं का अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए, बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकलने वाले हैं ये, बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा निकालने वाले हैं ये, जम्मू में बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा निकालते हैं ये, शर्म नहीं आती आपको, बलात्कारियों को बाहर निकालते हैं क्योंकि आपको इलेक्शन लेना होता है, उनसे वोट लेना होता है, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, पॉलिसी में स्पेशलाइज हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत धैर्य के साथ खड़े रहते हैं और अच्छे लोग, बोलने वाले लोग, जी जनाब अच्छे लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, अपना कहाँ से आए हैं आप? मैं बोकारो से रहने वाले, बोकारो से रहने वाले, पॉलिसी पे कुछ बोलिए, पॉलिसी में स्पेशलाइज, और अभी जो जितने भी क्राइम हो रहे आज नहीं, ये तो होती आ रही है क्राइम, रेगुलर हो रही है, हर बार खंडन कर दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिए जाते हैं, तो आज के डेट में सरकार को फिर से एक बार जो क्राइम कंट्रोल का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर फिर से सोचने की आवश्यकता है, और बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता, और आधुनिक जो डिमांड के अनुसार उसको सोचने की आवश्यकता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि आप पॉलिसी मैटर से जुड़े हुए, नीरज मैं आप ही के पास आ रहा हूं, बिल्कुल मुझे एक सेकंड दे दीजिए, मैं आज जब आता हूं यहां पे लगभग तो मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूं तो वहां पे कई लोग आ जाते हैं मेरे पास, और एक सज्जन आए मेरे पास और बात करना शुरू किया उन्होंने, और कैमरा ऐसे लगा दे, मुझे अंदाजा हो गया कि ये लाइव कर रहा है, रिकॉर्ड कर, कोई बात नहीं बात करिए, लेकिन मैंने कहा ये क्यों रहते, बोले मैं 24 घंटे लाइव रखता हूं अपने को, वो शायद यहां खड़े भी होंगे, बोले 24 घंटे लाइव करता हूं मैं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैंने कहा 24 घंटे आप कैमरे को सामने रखते हैं, कोई बात करना चाहे तो आपसे नहीं, बोले जो बात करे वो रिकॉर्ड होगा, मैंने कहा क्यों आखिर, क्या आपको कोई समस्या, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, आप कोई बताना चाहते हैं, नहीं आपको बस सिर्फ रिकॉर्ड करना है मुझे, मैंने कहा भाई मैं तो कोई जो बात यहां कह रहा हूं मैं वहां बात कह रहा हूं, बोले नहीं मुझे कोई स्टडी कर रहा हूं मैं, 24 घंटे लाइव रखता हूं अपने को, 24 घंटा कैमरा ऐसे रखता है मेरा, सोचने की बात है हम कहां खड़े हैं, किस जगह पहुंच चुके हैं, आई हैव टू थिंक, बहुत सीरियसली मुद्दे हैं ये, 24 घंटे हमारे पास मोबाइल है, 24 घंटे हमारे पास कान में ये लगा रहता है कि कहीं से रिंग, कहीं से घंटी, कहीं से कोई चीज, उसके टेक्नोलॉजी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रही है, बहुत बहुत उपयोगिता है, लेकिन कहां पे हम खड़े हो गए, पहुंच गए हैं, इस पर भी सोचने की और विचार की जरूरत है। जी जनाब कहां से आना हुआ? सर मैं पंजाब से हूं। जी पंजाब से, क्या नाम है साहब? गुरदासपुर से राजीव शर्मा। जी राजीव जी, मैं बीजेपी वालों से एक बात पूछना चाहूंगा कि ये हर बात में हिंदू मुसलमान ले आते हैं, एक बात बड़ी ध्यान से आप सुनिएगा, जब आपकी सरकारें थी, आप तो चलो नहीं है अभी हैं, लेकिन सर हर बात पे हिंदू मुसलमान का, हम आम लोग हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं चाहते, प्लीज हम हिंदू मुसलमान नहीं चाहते, इंसाफ चाहते हैं, जिसके साथ जो गलत करता है, हिंदू करता है उसको सजा मिले, मुसलमान करता है मुसलमान को सजा मिले, क्रिश्चियन कोई भी धर्म का लगे, लेकिन हर बात पे हिंदू धर्म का अच्छी बात नहीं है। जितने ही पॉलिटिशियंस हैं आज के डेट में जो बोल रहे हैं लोग, और आपस में जो भी इनके कन्वर्सेशन चल रही है, इनकी जो पॉलिसीज हैं या थॉट्स हैं वो डेड हैं, ये आज के आउटडेटेड है समाज से, जो भी बात करें आज जो कुछ फ्रेमिंग, कुछ नई चीजों के बारे में बात करें, कैसे कंट्रोल किया जाए, वो समझ में आती बात है, क्रिएटिवनेस कुछ है ही सर। जैसे मैं बताऊं, हम में से बहुत सारे लोग आफ्टर कोरोना मानसिक द्वंद से गुजर रहे हैं, कोई ना कोई परेशानियों से गुजर रहे हैं, दिमागी, जिसे कहते हैं दिमागी परेशानियों से गुजर रहे हैं, और भीड़ है, जमात भीड़ है हॉस्पिटल्स में, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर कोई बात करने का ना कोई डिबेट है, एक ड्रम लाओ, देखिए मैं बताऊं सर, मैं बता लूं क्या हो, डिबेट में क्या हो रहा बताए,
बोले हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान, एक ढोल ढोल लाए गड़गड़ 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 गड़गड़।